यूपी के कानपुर से खबर है, जहां पनकी थाने में पनकी थाने का हिस्ट्री शीटर और टॉप 10 अपराधी खुद तख्ती लेकर आत्मसमर्पण करने थाने पहुंच गया। उसने आगे के जीवन में कभी अपराध न करने की कसम भी खाई। पनकी पुलिस मारपीट के मामले में काफी दिनों से पनकी गंगागंज निवासी जावेद की तलाश कर रही थी। पुलिस कई संभावित ठिकानों पर दबिश भी दे रही थी, लेकिन हर बार जावेद पुलिस के चंगुल से बच निकला। आरोपित के खिलाफ रंगदारी मांगने, दलित उत्पीड़न, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर हत्या का प्रयास समेत संगीन धाराओं के 19 मामले दर्ज हैं। कानपुर से संवाददाता कमर आलम की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुपालन में हमारे आदरणीय सीपी सर विजय सिंह मीना सर के सकुशल नेतृत्व में जितने भी वांछित अपराधी है, टॉप 10 अपराधी और माफिया के ऊपर जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत थाना पंकी क्षेत्र में एक जावेद नामक अपराधी जिनके ऊपर करीब 19 मुकदमे हैं, ये गैंगस्टर का भी आरोपी है और ये हमारे यहाँ टॉप 10 भी है। ये आज अपने आप खुद थाना पहुँच गया और कभी जुर्म ना करने का कसम खाते हुए अपने आप को आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने के बावजूद इन्होंने ये भी कहा कि अपने आप को जेल भेजने का अनुरोध भी किया।